हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए स्पेनिश टोर्टिला लेकर आई हूँ, यानी स्पेनिश ऑमलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 5 अंडे लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ का आलू लिया है, 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1 लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। आलू को हम मीडियम साइज़ में काट लेंगे, नहीं ज़्यादा मोटा और नहीं ज़्यादा पतला। उसके बाद हम प्याज को भी मीडियम साइज़ में काट लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें इतना तेल डालेंगे कि हमारा आलू उसमें डूब जाए। दो मिनट तक हाई फ्लेम पर आलू को हम फ्राई कर लेंगे। अब उसमें हम प्याज ऐड करेंगे और प्याज और आलू को 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज और आलू को साथ में फ्राई करने से प्याज और आलू का टेस्ट अच्छा आता है। तेल को हमने छान लेना है ताकि तेल उसमें से ड्रेन हो जाए। जब तक आलू और प्याज में से तेल ड्रेन हो रहा है, तब तक हम अंडे फेंट लेते हैं। उसमें स्लाइस की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, पीसी मिर्च पाउडर 3 चुटकी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। उसे अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। वैसे तो इसमें सिर्फ नमक ऐड करते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं और हमें मिर्च खाने की आदत है, इसलिए हम इसमें मिर्च ऐड करेंगे। अब फाइनली इसमें फ्राई किया हुआ आलू प्याज ऐड करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। उसे अच्छी तरीके से तेल को फैला देंगे। अब हम उस पे फेटा हुआ अंडा ऐड करेंगे। उसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हमारा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि साइड से पक चुका है। अब हम इसे प्लेट में पलट देंगे। फिर हम उसे इसमें इस तरह डाल देंगे। पाँच मिनट तक हम उसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। पाँच मिनट हमारा हो चुका है, अब हम उसे प्लेट में फिर पलट लेंगे। अब हम उसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। आप स्पेनिश टोर्टिला की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।